अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनने को मिली। गुज़िश्ता रोज़ 23 अप्रैल 2023 को मरूफ स्टेज एक्ट्रेस और डांसर मुनज़्ज़ा मुल्तानी को कत्ल कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वह हाफिजाबाद शरीफपुरा अपनी बेटी से मुलाकात करने गई थी। आप जानते हैं ईद है, इसी वजह से वो अपनी बेटी से मिलने गई थी। तब उनके चेहरे पर गोलियां मारी गई और उनको अब्दी नींद सुला दिया गया। ये फैन थी फिल्म स्टार और स्टेज एक्ट्रेस नरगिस साहिबा की। 2011 से इन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की। जुक्के लगाने में बड़ी माहिर थी। इनका कहना था कि बनिस्बत मेल्स के फीमेल को ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, उनको पेमेंट भी कम दी जाती है। और ड्रेसेस के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि ड्रेसेस में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। वह बेहतर जानते हैं स्टेज पर किस तरह के ड्रेसेस पहनने जाते हैं, इसी लिहाज से उन्होंने कहा भी था। इन्होंने एक अपना हादसा भी शेयर किया था एक इंटरव्यू के दौरान कि जब उन्होंने नई गाड़ी ली थी और वो फैसलाबाद शो करने गई थी, गाड़ी को लिए हुए भी 3 दिन ही हुए थे, तो कुछ नामालूम अफराद ने गाड़ी को 6 फायर मारे थे, तो इनकी तो जान बच गई थी, शायद कोई सदका दिया हुआ काम आ गया था। उसी वक्त अगर ये उस चीज़ को ढीला ना छोड़ती तो शायद आज वो बच जाती, पर जो किस्मत में लिखा होता है वैसा ही होता है। इन्होंने जो इनके घर में डकैती हुई थी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उसका भी जिक्र किया था। सुनकर बेहद अफसोस है कि आधे माजी को आज भी दोहराया जा रहा है। हमारी बहुत सारी फनकाराओं को कत्ल कर दिया गया था और गुज़िश्ता रोज़ इनको भी कत्ल किया गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप देखने वालों से भी गुजारिश है कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इख़लास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। जज़ाकअल्लाह।